हेलो दोस्त, रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 में बहुत सारे दोस्तों को बधाई और शुभकामनाएं कि आईटीआई टेक्नीशियन का पैनल लिस्ट 2 नंबर आ चुका है, क्योंकि एलपी का पहले आया था लेकिन आईटीआई टेक्नीशियन का पहला ही पैनल है, लेकिन प्रोविजनल पैनल 2 है आरआरबी अहमदाबाद में, जिसमें पीसीएम टेक्नीशियन और आईटीआई टेक्नीशियन का पैनल है और बहुत सारे पोस्ट में एनईसी रहा है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट रहा है मेन लिस्ट में, यानी वेटिंग लिस्ट की तो बात हम पहले ही कर लिए थे कि खाली है, मेन लिस्ट में भी कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है यहाँ पे। तो आरआरबी अहमदाबाद में जो कैंडिडेट थे उनका टेक्नीशियन का पैनल लिस्ट आ चुका है, जो अभी से 1.5 घंटा पहले करीब आया है। तो इसमें आप चलेंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट देखेगा आरआरबी अहमदाबाद का, जिसमें आप देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ देखिए, सबसे नीचे वाला जो वैकेंसी है वो एलपी वाला है, जहाँ पे आप देखिए पहले प्रोविजनल पैनल 1 कैटेगरी 2 के लिए आया था, अब पैनल 2 दूसरा आया है टेक्नीशियन अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/18, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी का है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो आपको लेके चलते हैं पैनल लिस्ट में। डायरेक्ट पैनल लिस्ट में ओपन कर लिया हूँ और पैनल लिस्ट लंबा है, 40 पेज का पैनल लिस्ट है, हर कैटेगरी के लिए एक स्थान प्राप्त है। कैटेगरी नंबर 7, सबसे पहला शुरुआत टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, नो कैंडिडेट सुटेबल फाउंड एनईसी, इसमें किसी की जॉब नहीं और कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं। वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी टेबल आपको देखना पड़ेगा कैटेगरी नंबर 7 की, तो कैटेगरी नंबर 7 की वैकेंसी टेबल, एक मिनट में वैकेंसी टेबल आपके लिए खोल दूं, एक साथ रख लेता हूं। तो वैकेंसी नंबर खोल दिया मैंने, अहमदाबाद टेबल है आरआरबी अहमदाबाद का, देख लीजिएगा, वेरीफाई करिएगा साथ में। कैटेगरी नंबर 7 देख लीजिए, यहाँ पे है टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे 6 पोस्ट टोटल थे, 6 पोस्ट के लिए कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं, ये वैकेंसी खाली रह गई। अगला पोस्ट की बात करते हैं, अगले पोस्ट की बात करेंगे तो अगला पोस्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा, जो कैटेगरी नंबर 3 है, 3 कैटेगरी नंबर 14 है, सॉरी 7 के बाद अगला कैटेगरी नंबर डायरेक्ट 14 है। 14 नंबर में टोटल कैंडिडेट 2 UR का, 1 OBC का और 1 AC का कैंडिडेट हुए हैं, तो इसकी वैकेंसी अगर देखें तो 4 इसमें कैंडिडेट हैं। तो कैटेगरी नंबर अगला देखते हैं, 14 नंबर का क्या हाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 14 देखिए, जिसमें टोटल 4 पोस्ट थी और चारों का लिस्ट आ चुका है पूरी तरह से, यानी कैटेगरी नंबर 14 हो गया फुल, 14 में अब कोई जगह नहीं बची है जी। 14 नंबर कैटेगरी को किया जाए लॉक और इसमें कर देते हैं आपके लिए लॉक, तो 14 नंबर कैटेगरी हो गया है फुल। अगले कैटेगरी में चलते हैं, अगला क्या कहता है टेक्नीशियन का पैनल लिस्ट, तो अगला पैनल लिस्ट आप देखेंगे तो 18 नंबर कैटेगरी है, जिसमें नो सुटेबल कैंडिडेट है, तो नोट सुटेबल कैंडिडेट मतलब समझ गए एनएसी है, और एक इसमें वैकेंसी देख लीजिएगा कितनी है 18 नंबर कैटेगरी का, तो 18 नंबर कैटेगरी में टोटल वैकेंसी थी 8, तो ये है टेक्नीशियन कारपेंटर ग्रेड का था, तो 8 और पहले 8, यहाँ पे 8 और पहले 6 8 6 14 वैकेंसी वैकेंट रह गई टेक्नीशियन की 2 कैटेगरी में। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आपका कैटेगरी नंबर आएगा आपके पास 19, जिसमें नो सुटेबल कैंडिडेट है, इसको भी आप 14 के बाद जोड़ लीजिएगा, तो इसमें भी नोट सुटेबल है, ये कौन सा है कारपेंटर ग्रेड 3 इसमें भी है, तो इसमें आप देखेंगे तो कैटेगरी नंबर 19 में कितने पोस्ट थे, तो कैटेगरी नंबर आप 19 में देखिएगा तो 3 पोस्ट था, तो 14 3 17 पोस्ट हो गए। उसके बाद अगला वैकेंसी है कैटेगरी नंबर 25, जिसमें 65 पोस्ट है और ये CNW का है, फिटर वाला, इसमें तो कैंडिडेट होंगे ही, तो अगला हमारा कैटेगरी नंबर 25 है, कैटेगरी नंबर 25, जिसमें आपकी वैकेंसी टोटल 65 था, यहाँ पे 19 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है, जिसमें से 5 UR का, 30 UR का भी रिजल्ट होल्ड में है, यानी 30 5 35 हो गया, 11 OBC का दिया है, 5 होल्ड है तो 16 हो गया, और 1 यहाँ दिया हुआ है और 7 होल्ड है, उसी तरह 2 यहाँ दिया हुआ है और बाकी और
4 का होल्ड है, यानी कह सकते हैं इसमें 65 लिस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी रिजल्ट रुका हुआ है। जिनका जिनका हो गया है उनका बधाई, और जिनका वेटिंग में अभी विथहेल्ड है उनकी अभी हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली हो जिसके कारण, या और भी कोई कारण होगा जिसके कारण नहीं हुआ। तो इस लिस्ट में कैटेगरी में कैंडिडेट हैं। अगला कैटेगरी नंबर 31 है, जिसमें आप कैटेगरी नंबर 31 को कह रहे हैं डीजल इलेक्ट्रिकल है, ग्रेड टेक्नीशियन 3 की, जिसमें 6 कैंडिडेट और 16 और 5 21 और 2 23 23 और 3 23 और 3 हो गया 26 एक 27 27 दो 29 29 कैंडिडेट का यहाँ नाम दिख रहा है विथहेल्ड लगा के। और इस कैटेगरी में टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 25 के बाद अगला 31 में है 29 ही टोटल वैकेंसी है, देख लीजिएगा टोटल 29 ही है। यानी इस कैटेगरी में अभी भी कैंडिडेट पूरे से फुल हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट विथहेल्ड है। उसके बाद आपका है अगला कैटेगरी नंबर 34, जिसमें 58 कैंडिडेट का वैकेंसी था, 58 में है 18 का 58 का, और टोटल देखिए यहाँ पे सब में लिस्ट भरे हुए हैं, यानी अभी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आएगा और इसके लिए अगला पैनल है। उसके लिए अगला कैटेगरी 47 नंबर है, 47 में आप देखिए ये इतने लोगों का नाम दे चुके हैं, 11 लोगों का पैनल में आ चुका है, बाकी लोग को विथहेल्ड है। तो इसकी वैकेंसी में भी पूरे लिस्ट कैंडिडेट है, कौन से कैटेगरी का है, 47 नंबर इलेक्ट्रिकल पावर का। उसके बाद अगला नंबर कैटेगरी देखिए, अगला नंबर क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, कैटेगरी नंबर 48 का ही वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल पावर का ही वर्कशॉप है, जिसमें 6 कैंडिडेट का है और 6 कैंडिडेट फिट है, बाकी विथहेल्ड में 1 रखे गए हैं यूआर का। तो इसकी आप देखेंगे कैटेगरी नंबर 58 का ही वर्कशॉप वाला क्या कंडीशन है वैकेंसी का, कैटेगरी नंबर 58 का ही 48 का है इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ गया दोस्त, इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप 48 नंबर कैटेगरी देखिए वर्कशॉप है, जिसमें टोटल 5 ही वैकेंसी थी। ये बंगलुरु आ गया, अभी हमें ये अहमदाबाद लाना है, आ गया इलाहाबाद, और यहाँ पे आप देखें तो अहमदाबाद यहाँ लिस्ट समाप्त, 48 नंबर यहाँ से देखिए 48 नंबर कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की 7 पोस्ट थी, 7 में से कुछ का नाम आ चुका है, 5 का 6 का 1 विथहेल्ड है। उसी तरह सबका एक एक करके देखेंगे। 49 नंबर देखिए, 49 में 8 का नाम आ चुका है, बाकी का विथहेल्ड है। और उसके बाद अगला कैटेगरी जिसमें आपका ट्रेन लाइटिंग का है, जिसमें 5 का नाम आ चुका है, बाकी का रुका हुआ है। यानी पैनल पूरी तरह से कंप्लीट करके बनाया गया है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल TRD 52 नंबर कैटेगरी है, जिसमें 7 कैंडिडेट का नाम लिखा गया है और 4 का विथहेल्ड है, बाकी और वैकेंसी होगा उसको नहीं दिखाया है इन्होंने, 11 होगा यानी कैटेगरी नंबर 52 के लिए। उसके बाद अगले कैटेगरी में देखिएगा तो 53 नंबर है, जिसमें 2 कैंडिडेट का नाम है और हो सकता है इसमें 2 ही वैकेंसी हो, इलेक्ट्रिकल TRD PSI। तो इलेक्ट्रिकल TRD 52 में देखिए PSI वाला देखिए वैकेंसी की संख्या 4 थी, लेकिन उसमें नाम कितने दिए हुआ है, तो यहाँ पे वैकेंसी की संख्या 4 थी, उसमें कुछ कितने लोगों का दिया है नाम, तो यहाँ पे दिया है 2 लोगों का, एक UR का एक इसका, बाकी हो सकता है कैंडिडेट का नाम अभी इसमें नहीं दिया है, लेकिन क्लियर यहाँ पे राइटिंग नहीं है। उसके बाद अगला देखिए 23 नंबर कैटेगरी नंबर 54, जिसमें टोटल जितनी वैकेंसी है उसमें 23 पैनल में आ गए, बाकी वेटिंग में है। उसके बाद अगला कैटेगरी 59, उसी तरह से आप देखेंगे सभी कैटेगरी एक एक करके देखेंगे, फीटर का शुरू हो रहा है कैटेगरी नंबर 62, इसमें भी उतने कैंडिडेट को दिया है, यानी ये पूरी कैटेगरी बाई लिस्ट बाई दिया हुआ है। साथ में यहाँ देखिए अगला कैटेगरी शुरू होता है 65, इसमें नो कैंडिडेट फाउंड फॉर सुटेबल NEC वाला पोस्ट हो गया है यहाँ पे। तो हम पहले पोस्ट जोड़ चुके थे, 14-2-16 पोस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं था। कैटेगरी नंबर 65 देख लेते हैं, फीटर वर्कशॉप में कोई वैकेंसी नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है। तो कैटेगरी नंबर 65 फीटर वर्कशॉप देखिए, वैकेंसी 65 है कैटेगरी नंबर फीटर वर्कशॉप, जिसमें 2 वैकेंसी थी, इसके लिए भी कोई कैंडिडेट सूटेबल नहीं हुआ। तो 16-2-18 पोस्ट में कोई लोग नहीं है अभी तक हम देखते आए हैं, जिसमें 18 पोस्ट के लिए कोई नहीं है। अगला कैंडिडेट आपका है वर्कशॉप फीटर का, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 66 नंबर है, इसमें 64 कैंडिडेट है, अच्छी खासी है इसमें स्ट्रेंथ, और सब लोग का नाम दे रखा है, और किसी का रिजल्ट आ चुका है, किसी का विथहेल्ड है। 67 नंबर फीटर वर्कशॉप में भी देखिए NEC है, 67 नंबर कैटेगरी नंबर 67 फीटर वर्कशॉप, इसको भी देख लीजिए। अभी तक हमारे पास 16-2-18 का हो चुका है, और 18 के बाद 67 नंबर देखिए फीटर वर्कशॉप,
देखिए एसएनटी वर्कशॉप था, एक वैकेंसी है यानी 19 हो जाता है, अभी तक 19 वैकेंसी में कोई कैंडिडेट नाम नहीं है। इसी तरह अलग अलग देखेंगे, अगला कैटेगरी 71 है, इसमें भी कोई कैंडिडेट नहीं है, नॉट फुट फाउंड सुटेबल। तो 71 नंबर में देखिएगा तो 71 नंबर था, ग्राइंडर था, इसमें भी एक पोस्ट था, कोई कैंडिडेट नहीं है। 83 नंबर में एक पोस्ट है, इसमें कितने कैंडिडेट है, अगला कैटेगरी नंबर 83 है, एक कैंडिडेट, एक का सुटेबल नाम दे दिया है। उसके बाद अगला कैटेगरी आपके पास 84 है, जिसमें दो लोगों का नाम है और 10 वैकेंसी विच हेल्ड है, यानी इसको अभी लाइव रखा गया है। तो उसके बाद आप देखें 88 नंबर में नो कैंडिडेट एलिजिबल यानी नॉट सुटेबल फाउंड है। 88 नंबर कैटेगरी क्या है, मेसन का। तो मेसन वाला आप देखेंगे तो मेसन वाला में आप वैकेंसी में देखिए 88 नंबर कैटेगरी का, तो मेसन का पोस्टों की संख्या 10 थी, 10 के 10 पूरे खाली रह गए, यानी आप कह सकते हैं 10 के खाली रह गए। तो टोटल वैकेंसी का अभी कितने हमने जोड़े थे, तो 19 वैकेंसी जोड़े थे, कितने, पहले हमने 19 सॉरी एक मिनट इसको एडजस्ट कर लिया जाए, तो पहले हमने जुड़ा था आपके साथ कितनी वैकेंसी, तो 19 और 10 29 कैंडिडेट अभी रह गए हैं नॉट सुटेबल। उसके बाद 98 नंबर कैटेगरी में नॉट सुटेबल फाउंड, 98 नंबर कैटेगरी देखिए नॉट सुटेबल फाउंड, इसमें भी 11 पोस्ट है, क्या है, मिल राइट का, मिल राइट टेक्नीशियन का भी 18 नंबर, पूरे कैटेगरी की पूरी पोस्ट देखेंगे तो 11 नंबर है, 11 नंबर कैंडिडेट में कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं है कैटेगरी नंबर 98 में। तो 98 की लिस्ट आप देख ले इसमें, तो 98 में कितने हो गए, अभी तक हमारे पास 29 हुए थे और 29 और 11 और, यानी 29 और 11 हो गए 40, 40 कैंडिडेट टेक्नीशियन का पोस्ट आईटीआई का खाली अभी तक है, अभी पीसीएम टेक्नीशियन की बारी नहीं आया है 134 136 का। तो उसके बाद अगले में देखेंगे तो आपके पास आएगा आपका ड्राइवर वाला 100 नंबर, जिसके बारे में 2 कैंडिडेट को फिट लिखा गया है, शायद तो ही पोस्ट हो। उसके बाद अगला पोस्ट देखिएगा तो 103 नंबर कैटेगरी है, तो यहाँ पे 103 नंबर में देखेंगे तो 100 नंबर में यहाँ पे 6 वैकेंसी थी, उसमें से 2 कैंडिडेट आए हैं यार, 40 दो 42 पोस्ट खाली हो गया। उसके बाद 103 नंबर में 3 पोस्ट है, तो 103 नंबर में 3 कैंडिडेट का नाम नहीं हो के 103 नंबर में एक कैंडिडेट का है, यहाँ भी 2 पोस्ट खाली रह गया, यानी 41 और 2 43 का हो गया। उसके बाद 104 नंबर देखिए, 104 नंबर में 14 कैंडिडेट का नाम है, इसके अलावा भी और कैंडिडेट हो सकते हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं हो। 104 में देखिए टोटल आपका स्किल्ड फिटर का है, मैकेनिकल का 57 पोस्ट है, देख लीजिए 57 पोस्ट है, WR वर्कशॉप का है, जिसमें आप देख लीजिए 104 नंबर कैटेगरी, 104 नंबर कैटेगरी को देखिए तो यहाँ पे आपका 14 फीट पाए गए हैं 57 में से, और 23 12 और 4 इतने कैंडिडेट अभी हुई थेल्ड है, तो 23 और 12 हो जाता है आपका 35 और 4 39, 39 और 14 बिल्कुल आपका लगभग लगभग कैंडिडेट पूरे हो रहे हैं जितनी वैकेंसी है। उसके बाद अगले में देखिएगा 107 नंबर का कैटेगरी जो पेंटर का है, पेंटर का देखिए पूरी तरह से खाली है, इस पेंटर को 107 नंबर कैटेगरी देखिएगा तो 107 नंबर पेंटर वाला कैटेगरी में 2 पोस्ट था, तो यानी 45 पोस्ट खाली हो गए। उसके बाद 108 में 2 पेंटर का ही था, 108 भी एनएससी होगा, तो 108 भी आप देखिएगा तो एनएससी है, नो कैंडिडेट फाउंड टू सुटेबल 108 नंबर में भी है। उसके बाद आपका 121 नंबर कैटेगरी में भी कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, जहाँ पर वैकेंसी की संख्या 4 है, तो 104 भी इसमें भी आपका गया। उसके बाद 117 की तो गायब ही कर दिया, 117 का लिस्ट इन्होंने दिया नहीं, 121 कर दिया एक ही बार, 108 के बाद 121, 17 का नहीं है इसमें, हो सकता है बाद में लिस्ट में आएगा। उसके बाद 126 नंबर आरएससी का, 7 कैंडिडेट इसमें कैंडिडेट हैं। उसके बाद 134 पीसीएम का आ गया है, जिसमें 92 कैंडिडेट को सुटेबल किया है, 13 को होल्ड किया है यूआर में, 18 को आपका ओबीसी में, और 12 को आपका वैकेंसी का विथहेल्ड किया गया है ओबीसी का, एससी के 6 कैंडिडेट ओके, 6 आपके विथहेल्ड में, उसी तरह एसटी के 8 कैंडिडेट ओके पाए गए हैं, यानी 92 कैंडिडेट का इसमें पैनल में नाम आया है 134 नंबर, जबकि वैकेंसी 119 थी, यानी बचे हुए कैंडिडेट विथ हेल्ड में है। उसके बाद आपका 136 नंबर टेलीकम्युनिकेशन का है, जो पीसीएम वाला है, 41 पोस्ट है, तो 136 नंबर का क्या हाल है देख लीजिए, जिसमें वैकेंसी 41 है, तो 27 मेन में आ गया, 4 यूआर का विथ हेल्ड यानी 31 और 6
31 और 6 आपका 37, 2 39 और 41, पूरी 41 वैकेंसी को लगभग लगभग इन्होंने रख रखा है। उसके बाद अगला 146 नंबर कैटेगरी है, उसमें एक कैंडिडेट फाउंड है सुटेबल 146 नंबर में, जिसमें वैकेंसी 3 है, एक सुटेबल पाए गए हैं, वेल्डर का है। 148 49 में देखिए, 148 में आप देखिएगा 2451 वैकेंसी है, 2451 वैकेंसी है। इसके बाद वाला में तो 148 में 2 वैकेंसी है, 9 सूटेबल पाउंड है, यानी 45 247 हो गया यहाँ कैंडिडेटों का। इसमें आपका एक वैकेंसी है तो एक कैंडिडेट है, यहाँ पे आपका 4 ये 9 सूटेबल है 154 में, और 154 में आपका यहाँ पे 7 कैंडिडेट के नाम दिया हुआ है जिसमें 8 वैकेंसी है। तो ये पूरा लिस्ट समाप्त होता है। तो कह सकते हैं कि करीब करीब एक लाइन में बोले तो आपको बोला जाए कि जो NEC पोस्ट थी वो, एक मिनट, एक लाइन में अगर यहाँ RRB के देखा जाए तो एक लाइन में आपको एक जवाब मिलेगा कि यहाँ पे करीब करीब 50 ऐसे पोस्ट है टेक्नीशियन का, ITI का, जिस पे कोई कैंडिडेट मेल लिस्ट में ही नहीं था, वेटिंग लिस्ट की तो बात ही छोड़िए। तो इस पोस्ट शायद किसी को नहीं मिले क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन किसी के पास नहीं होगा, लेकिन जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए देखिए पूरी पूरी इन्होंने पैनल कंप्लीट करके दिया है, यानी हो सकता है मेन लिस्ट वाला और विथहेल्ड वाला, यार कम से कम वो पोस्ट वेटिंग लिस्ट को मिल सकता है, उम्मीद कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट विथहेल्ड है। वो कैंडिडेट अगर फिट होते हैं तो मेन लिस्ट में आ जाएंगे, अगर नहीं फिट होते हैं तो उनके जगह पे वो वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल थी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू।